ऑनलाइन MRIs चेक कर रही हूँ, मैं देख के बताती हूँ, जरूरत पड़ेगी तो कल सुबह बुला लेना इनको. ऑल राइट, बताती हूँ थोड़ी देर में. ओके. हादी और आयमा के बीच में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है, क्या हो गया, क्या मतलब समझी नहीं. डॉक्टर साहिबा, कभी अपने बच्चों को भी चेक कर लिया करें ताकि आपको पता हो उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है. हसन, हर वक्त तंज करना जरूरी होता है. तुम्हें पता है कि मेरी जॉब कितनी हेक्टिक, ऊपर से तुम्हारा ये एटीट्यूड. मेरे एटीट्यूड को छोड़ें, मैं जो बात कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें. आए दिन उलझ रहे होते हैं दोनों. पप्पू ने कहा था उनकी एंगेजमेंट होगी, बिना किए चली गई. क्यों? सोफिया चली गई क्योंकि उसे कोई काम था. और जहां तक रही एंगेजमेंट की बात, तो पेपर्स के बाद देखेंगे. साहब को ग्रीन टी दे दी थी? जी मैम, दे दी. हसन सर आपको शहरा साहब बुला रहे हैं. अच्छा सुनिए, जाएंगे तो सर आप हादी को भेज दीजिए. जी मैम. मुझे क्यों बुला रहे हैं? गुस्से में क्या? नॉट दैट आई नो ऑफ, लेकिन अगर हैं भी तो प्लीज आराम से बात सुन लेना. आराम से बात सुनना है? इस घर में मैं ही आराम से बात करता हूँ. क्या बात है यार, आयमा से किसी बात पे खफा हो? कुछ हुआ है? मामा प्लीज, आप उससे बात करें कि मेरी छोटी छोटी बातों पे इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर. मैं कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, किसे क्या कह रहा हूँ, she needs to stay away. इतना तो कभी आपने और डैड ने नहीं पूछा जितना वो पूछ रही है. हाते बेटे, ऐसा क्या पूछ लिया जो तुम इस तरह रिएक्ट कर? रिएक्ट करने की बात नहीं है मामा, she needs to understand कि दूसरों की प्राइवेसी मैटर करती है, and that's it. I'm sorry कि आपको बुरा लगा, लेकिन please you have to talk to her.